आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। और ये जो गुलाब जामुन हम बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए हमें कुछ सामान नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए एक रेडीमेड पैकेट। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं रेडीमेड मिक्सर। तो आज जो हम गुलाब जामुन बना रहे हैं उसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडीमेड मिक्स। जी हाँ, तो ये मैं ले रही हूँ MTR का रेडी मिक्स। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, आपको जो भी मिले आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और इसमें से निकाल लेंगे हम मिक्सचर। तो ये टोटल वेट में है 175 ग्राम। तो ये पूरा मिक्सचर मैंने ले लिया है और इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी 1/4 कप और उसी से हम इसको नीड करेंगे। और उसके अलावा हमें लेनी है चाशनी। तो चाशनी के लिए हमें लेनी है 800 ग्राम चीनी प्लस 800 ग्राम ही पानी, यानी जितनी चीनी उतना पानी। तो ये जो चाशनी है हमारे पास पहले से बनी हुई रखी है, इसलिए हम अभी नई चाशनी नहीं बना रहे, हम इसको अभी गर्म चढ़ा देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसको गूंदना है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना, ना दूध ना घी, बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लिया है और इसको लगाने में हमें लगभग 3/4 कप पानी लगा है। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और जब तक हम तेल गरम करने के लिए गैस पे रख देते हैं। तो कढ़ाई में हमने लिया है तेल और आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं या फिर हाफ हाफ ले सकते हैं तेल और घी। तो 5 मिनट हो गए हैं और अब इस डो से हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इसको हम कर लेते हैं हाफ में डिवाइड। तो हाफ में डिवाइड सिर्फ इसलिए करें ताकि हमें थोड़ा अंदाज रहे कि हमें कितने इसमें पीसेस बनाने हैं। तो आप गुलाब जामुन से थोड़ा सा छोटे साइज के इसमें बॉल्स बना लें। ये मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने इसके इक्वली पीसेस कर लिए हैं और अब इनको हम इस तरह से हथेलियों के बीच में रखते हुए बिल्कुल राउंड राउंड बिल्कुल गोला बना लेंगे इसका। और बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा हमने एक गोला बनाया है और इसी तरह हम सबको बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमने सारे गुलाब जामुन के गोले बना लिए हैं। तो इस मिक्सचर से हमें टोटल 25 गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे। तो चलिए अब हम इनको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। और जो तेल है वो मीडियम हॉट है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ये देखिए, डालने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। और ये देखिए, गुलाब जामुन डालते ही आराम से ऊपर आ रहे हैं तैर के। तो आप इन्हें धीरे 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 एक एक करके डालते जाएं। बस आंच का आप ध्यान रखें कि आंच इस वक्त बिल्कुल स्लो पर हो। स्लो आंच से जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से फूलते हैं। ये हमारे गुलाब जामुन जा रहे हैं धीरे धीरे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में एक बार में जितने आए आप उतना ही डालें, बहुत ज्यादा उसको भरे ना। तो अभी इसमें काफी जगह है। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा इनमें कलर आने लगा है। और अब कढ़ाई को आप इस तरह से हल्के हल्के से थोड़ा सा घुमाएं ताकि जो गुलाब जामुन है वो चारों तरफ से गोल गोल घूमते रहे और चारों तरफ से अच्छे से सिके ये। तो ये देखिए, काफी अच्छा ब्राउन कलर सब पे आ गया है। तो पहले अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो शुगर सिरप को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाली है। और अब ये गए गुलाब जामुन इसमें।
और अब इनको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं बाकी के गुलाब जामुन भी। तो ये अब हम डाल देते हैं दूसरे बैच के गुलाब जामुन और इनको भी हमें मीडियम हॉट ऑयल पर ही फ्राई करना है। तो देखिए ये गुलाब जामुन भी फूल कर ऊपर आ गए हैं और हम हल्के हल्के से इस कढ़ाई को थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि ये चारों तरफ से सिकते रहे। तो ये लीजिए, इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इनको भी हमने डाल दिया है शुगर सिरप में और अब इसको हम 30 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो लीजिए, आधा घंटा हो चुका है और जो गुलाब जामुन है उन्होंने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसमें से कुछ पीसेस हम खा भी चुके हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं इसकी फाइनल प्रेजेंटिंग, यानी कि इसको मैं बताती हूँ आपको बोल में डालकर कि कैसे बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी, मतलब कि फुल टू बनाने वाली रेसिपी है। बस आप थोड़ा सा शेप में इधर उधर हो सकता है, उसमें आप माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन टेस्ट में अच्छे होने चाहिए। और फिर हमने घर पर बनाए हैं तो थोड़ा तो इधर से उधर हो जाता है। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी कह सकते हैं आप इनको, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में तो बिल्कुल मिनटों का, चुटकियों का काम है ये। बस निकालिए, पैक खोलिए और तलिए और डालिए चाशनी में, है ना कितना आसान इनको बनाना। तो चलिए हम लेते हैं इन गर्मा गर्म गुलाब जामुनों का आनंद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।